बाहर क्या चल रहा है, क्या है, कभी बाहर की दुनिया भी काफी समय हो गया सर देखी नहीं। पहले यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, अब जेल ही हॉस्टल ही है जी मेरे लिए, तो यही है तब से। कोई और सोशल लाइफ तो कभी जी नहीं है, बाहर क्या चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ऑपरेशन दुर्दांत में बड़ा खुलासा लगातार जारी है और जिस लॉरेंस बिश्नोई का जेल में जगविंदर पटियाल ने इंटरव्यू किया है, वो लॉरेंस पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली से लेकर राजस्थान में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। शोभना जो बात बता रही है ना, क्योंकि पिछले साल ये तब चर्चा में आया था जब पंजाब में इसने सबसे बड़े आतंक को अंजाम देने की कोशिश की थी। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर तमाम तरीके के आरोप है, उसने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, ये आरोप लगातार इस पर लगते रहे हैं और इस हत्या में लॉरेंस का नाम भी आया था। लॉरेंस गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा था और आज लॉरेंस उस हत्याकांड का एक एक राज एबीपी न्यूज पर खोल रहा है। बिल्कुल, और हम बता दें कि अब तक के खुलासे में लॉरेंस ने माना है कि हत्या के बारे में उसे पता था, हत्या उसी के कहने पर हुई थी, लेकिन हत्या की साजिश रची उसके साथी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने थी। अभी तक लॉरेंस कई और राज खोलने वाला है, हमें ये जानकारी मिली है, कई चौंकाने वाले दावे वो करने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा इंटरव्यू है, अब तक तो आपने महज 15 मिनट का ये इंटरव्यू देखा है, कुल मिलाकर 57 मिनट का ये पूरा इंटरव्यू है और इसीलिए हमने कहा था कि रिमोट साइड में रख दीजिए, अभी अपराधी बहुत कुछ उगलने वाला है। लॉरेंस को 29 मई को सबसे पहले ये खबर किसने दी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया? दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मुझे मर गया, यही बताया। मैं तो सो रहा था उस टाइम, मेरे को तो पता भी नहीं था। गोगिंग गैंग वालों फोन चला रहे थे, उनके पास था तो उन्होंने बताया मेरे को। उन्होंने फोन दिया, मैंने बात कर ली, वो कहता भी मार दिया उसने मेरे को। तो बाद में यहाँ आके पता लगा रिमांड पे कि गोल्डी भाई उन्होंने मरवाया, सचिन ने मरवाया इनका, मेरे को नहीं पता। कहा जा रहा है कि शूटर आपने प्रोवाइड करवाए, जग्गू भगवानपुरिया ने प्रोवाइड करवाए, आप दोनों ने मिलके इसको एग्जीक्यूट किया। जी सर, हमारे तो दोनों का फोन बंद था, पर हाँ हमारे लिंक के लड़के थे वो पहले ही गोल्डी भाई के टच में थे, वो ही देख रहे थे सारी चीजें। हम दोनों का फोन बंद था, अलग अलग जेल में थे। आपके गैंग को गोल्डी चला रहा है? जी सर वो चला। आपने उनको सौंप दिया सारा काम? सौंप क्या दिया सर, साथ वाला है, उसका भी दर्द है जी, दर्द, लड़ाई लड़ रहे हैं। सौंपने विरासत तो है नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी सौंप दी, सेम ही बात है सर। ये जो मेरे भाई थे वो ही उसका भाई था जी, मेरा भी विक्की से प्यार था, उसका भी प्यार था जी, गुरलाल मेरा भी छोटा भाई था, उसका भी भाई था, तो ये दर्द उसको भी है जो मेरे को है, सेम लड़ाई है सर, वो भी अपना लड़ रहा और कोई बात नहीं। ऐसे तो हर कोई अगर अपना बदला खुद लेने लग जाए फिर तो पुलिस सरकार सिस्टम बदला नहीं लिया सर अभी तो। ये बात है कि भी ये एक नेता और ये एक बहुत तगड़ा वो सिंडिकेट बना रहा था अपना नेतागिरी में, और वैसे भी पुलिसिंग में ये अपना वर्चस्व रखता था थोड़ा, तो ये ऐसे ही हमारे खिलाफ ये छुटपुट गैंगे तैयार कर रहा था ये सिद्धू। बदला तो लेंगे सर कभी मौका में, कभी कोई बदला बदला अब किससे बदला लेना रहता है? जो मारा है जिन्होंने जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो मेन उनका सरगना था ना। अब देख लीजिए इसकी फोटो, और तो किसी ने, ये चार पांच ये जो गैंग है इन्होंने लगा रखी है मिस्यू करके, ये सारी देख लो। इसके बाप ने किसी और को तो, और गैंगे भी हैं सर, उनके बारे में तो कभी बोला नहीं, हमारे हमारे बारे में, मेरे बारे में, गोल्डी के बारे में या जुगू के बारे में, हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो अगर इसको दुख है तो भी आगे से कोई ना मर जाए, कि इसको दुख है तो फिर उनके बारे में बोले, और भी गैंगे हैं उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर सारे, और हम कोई बोल रहे हैं, हमें एक ये हम ही थोड़ी हैं जो मतलब दुनिया में अपराध कर रहे हैं, और भी हैं उनके बारे में तो कभी एक बार जिक्र ही नहीं किया सर किसी ने। बता दीजिए किसने जिक्र किया, ना इसके बाप ने किया ना किसी और ने किया। वो तो जब वो पोस्ट डालते हैं या कुछ धमकी देते हैं मारने मरने की, तो उसके बारे में तो कोई एक लफ्ज ही नहीं निकलता, ना कोई कार्रवाई होती सर। जिनका इकलौता बेटा जाता है लॉरेंस, वो बाप तो ये बात बोलेगा ही ना? जी सर जाता है तो वही तो बात है जी, गुरलाल इकलौता ही था सर, वो किसी ने सुनी नहीं, उसका बाप आज ऑनलाइन हो जाए गुरलाल का किसने सुननी। पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो सिंगर्स की इंडस्ट्री है, ये गैंगस्टरों से जुड़ी हुई है? अभी तक तो नहीं है सर कोई ऐसी ये बात तो नहीं है कि जैसे बॉलीवुड में होता है वैसे, यहाँ तो नहीं है जी, पर भविष्य में हो जाए तो कौन कह सकता है। अभी नहीं, नहीं। क्या गैंगस्टर इनसे पैसे नहीं लेते सिंगर से और जो आर्टिस्ट है इनसे, पंजाब वालों से? हमने नहीं लिया सर कभी, एक दो ये हमारे विपक्षी गैंग वाले हैं उन्होंने पहले लिए थे, हमने कभी नहीं लिया सर पैसे किसी से,
और अगर हाँ कोई इंडस्ट्री वाला हमारे विपक्षियों की मदद करता है तो हम उसका जवाब देंगे। आपके विपक्षी कौन है? बम्बिहा ग्रुप? हाँ जी, ये सारी गैंगे विपक्षी हैं जी। जो ऑल ओवर इंडिया हम देखें, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक सारा रिकॉर्ड आपका मूसेवाला मर्डर केस के बाद, 10 गैंग आपके साथ हैं, 5 आपके खिलाफ है, तो आपकी गैंग तो बड़ी हुई ना। बड़ी तो क्या है सर, ये है कि हम हाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कोई नजायज हमारे साथ वाला मारेगा तो सर उसके रिएक्शन में कुछ करेंगे। जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाइए, आप जो फिरौती लेते हैं, आप जो अपराध करते हैं वो क्या है? नहीं, हम भी गलत है सर, 9 साल हो गए जेल भुगत ही रहे हैं, फिर जो अपनी गलतियों की सजाएं काट रहे हैं सर। बम्बिहा ग्रुप और आपके ग्रुप के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है आप दोनों में? पंजाब में किसका कंट्रोल होगा, कौन बड़ा गैंग है? नहीं, ये बम्बिया जिंदा था तब तो इतनी कोई कहानी नहीं थी, ये तो बिना मतलब इन्होंने नजायज मार के थोड़ी ये क्यूरियोसिटी सी क्रिएट करने के लिए, ऐसे यहाँ चंडीगढ़ मोहाली से पैसे पूसे लेने के लिए उन्होंने नजायज 2-3 किलिंग्स कर दी सर। अब संदीप नंगलम्बिया वाली किलिंग्स है उसका बताओगे, ये कहते कि हमारे साथ क्या लेना देना है जिस, वो तो बिल्कुल नजायज मारा बेचारा। ये तो आप अपनी तरफ की कहानी बता रहे हैं ना, जब दूसरे वालों को पूछा जाएगा वो आपकी कहानी बताने लगेंगे। मेरा तो कुल मिला के कहना ये है कि इस खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है, जैसे हैं वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई भी ये ख्वाहिश नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है सर किसी चीज से। पर ये बात है कि सर हाँ कोई करेगा है ना तो हम रिएक्शन में जरूर उसको जवाब देंगे सर। बम्बिहा ग्रुप के साथ आपका कोई कंप्रोमाइज या ऐसी बात नहीं हुई कि इस चीज को खत्म कर देते हैं? क्यों खत्म नहीं कर लेते आप? बॉम्बे में भी होता था अंडरवर्ल्ड, वो एरिया बांट लेते थे। एरिया वाले कोई लड़ाई नहीं है सर एरिया की, तो है क्या लड़ाई? क्या है फिर ये कत्ल कैसे रुकेंगे? हमारे भाइयों के मर्डर की बात है जी, हम कोई एरिया की तो लड़ाई नहीं है, कोई पैसे के चक्कर में हमने कोई किया हो, कोई ऐसी बात है ही नहीं सर कोई। पर ये तो बढ़ती जा रही है ना फिर घटनाएं, एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। ये तो सर माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, अब क्या करें सर इसका? ये माहौल तो जो आपकी बात से लग रहा है मुझे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये तो। नहीं सर, हम कोई वो नक्सलाइट तो है नहीं कि अगर कोई सामने से हमें परेशान करेगा, नहीं हमें दुनिया को परेशान करे, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमें परेशान ना करे, हम किसी को कोई परेशान नहीं करें। लाल के मर्डर से पहले बताइए सर कौन सी गैंगवार हमने की है कहीं पे? नहीं, गैंगवार तो नहीं की है, लेकिन पहले भी फिरौतियां तो चलती थी। उससे पहले फिरौती का एक केस भी नहीं है पंजाब में। आपके ऊपर 35-40 केस दर्ज है यहाँ पे? नहीं सर, फिरौती का नहीं है जी यहाँ पंजाब में कोई भी केस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते, अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? ठीक है सर, आपने रिक्वेस्ट की सुधर जाते हैं, बाकियों को सुधरवा दीजिए। आप पूरे सृष्टि का तो आप भार उठा नहीं सकते सर, आप एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो माहौल ही बिगड़ बना पड़ा है सर यहाँ, आप सबका जिम्मेवारी थोड़ी उठा सकते, एक आदमी आपकी बात मान लेगा? आप मान लोगे? जी सर मान लेता हूँ आपकी बात। फिर आप ये गारंटी दे दीजिए कि आप, क्योंकि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। हम तो सर गेम नहीं है जी, गेम का एक हिस्सा हूँ मैं भी हूँ इसका, आप तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं वो बात नहीं करता। गेम बड़ी है जी, ये ऐसी चलती रहेगी। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे, पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? टी शर्टें पहनते थे भगत सिंह जी की, टी शर्टें पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया जी, तारीख में पहन नहीं देते थे, और कोई मैंने देखा नहीं कोई बड़े आदमी पहनते हैं टी शर्ट, हम पहनते थे सारे, हमारे सारी गैंग ही पहनती थी सर पहले, फिर हमें उतरवाने लग गए सर, तारीख पे जाते थे वहां पहनने नहीं देते थे, अच्छा बुरा बोलते थे, हमने क्या करें सर, जेल में पहनते हैं बाहर नहीं पहन के जाते जी। बाकी अपराध की बात ऐसे है सर कि भी सराउंडिंग्स आए, विचार शुरू शुरू में ऐसे बन गए कि भी कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं तो उस केस में अंदर गए थे सर, बाद में जब अन्याय हुए तो उसके खिलाफ सर हम लड़े हैं, पता करा लीजिए, मैं जब गया था तब गैंगस्टर का मेरे पे, आप अखबार निकाल लीजिए सर, 2014 में गया हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, स्टूडेंट ही लिखा था, तो ये अंदर ही गैंगस्टर बने, अब आतंकवादी भी लिखने लग गए और अभी और भी कुछ लिख देंगे, मैं तो स्टूडेंट ही गया था, अब अंदर बैठे बैठे जो मर्जी बना दें, न्यूज में निकल जाएगा, मैं तो स्टूडेंट ही लिखा था मैं जब गया था, तो अभी ये चीजें बन रही हैं सर, ये माहौल ही ऐसा बन गया, ये मतलब एटमोसफियर ऐसा चल रहा है कि फिलहाल कि भी मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा सर, हाँ जैसे आपको ज्यादा पता है जो लिख रहे हैं भाई मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है, पर ये बात है कि सर मैं कोई स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि हाँ भाई किसी मजबूरी में बने होंगे सर अपराधी शुरू में, कि फिलहाल अब हम अपने साथ वालों का बदला ले रहे हैं।
आपको कभी पछतावा होता है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट होने के लिए चंडीगढ़ आया और कहाँ मैं अब तिहाड़ जेल में रहता हूँ, मेरे को गैंगस्टर कहा जाता है, मेरे को आतंकवादी कहा जाता है, पछतावा नहीं होता इस चीज का? जो प्रभु की मर्जी है ठीक है जी सर, अच्छा लगता वो है जब? मेरे थ्रू वो अपने काम कर रहा था। नहीं लगता सर कि भगवान की जो रचना उसको क्वेश्चन नहीं करते सर, जो उसने कर दिया ठीक है, उसने कुछ और सेवा लेनी होगी हमसे। जब गैंगस्टर बोलते हैं या पढ़ते हो या मोबाइल फोन है तो सुन ही लेते होगे, तो बुरा नहीं लगता कि यार गैंगस्टर बोलते हैं हमें? नहीं सर कुछ नहीं बुरा लगता, जो पहचान भगवान ने दे दी उसका बुरा नहीं मनाते। आपके नेटवर्क में इस वक्त देश में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लड़के काम कर रहे हैं, और वो लड़के आपको जानते भी हैं या नहीं जानते हैं? कैसे कल्टीवेट करते हो उनको? ये छोटे छोटे लड़के जो इसमें सिद्धू मूसे वाला केस में थे, छोटे छोटे लड़के हैं, एक 17-18 साल का लड़का है। जान पहचान काफी होगी, पर हम कहते हैं जो हमारे जान पहचान के सारे अपराधी होंगे ऐसी बात नहीं है। जान पहचान तो शायद देश के हर कोने में होगी, पर वो सारे ही अपराधी हैं ये चीज तो जस्टिफाइड नहीं है सर। जहाँ लिख देते हैं कि 1,000 शूटर हैं तो 1,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर, सारे शूटर तो नहीं हो सकते। आपसे पूछ रहे हैं ना, यहाँ आप ही हमारे बता साथ दीजिए कितने लड़के हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। जी सर हमारे टच में है, यहाँ अगर अन्याय होगा तो हथियार जरूर उठा लेंगे, पर सारे अपराधी नहीं, कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर। जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं, उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? दिल से दोस्ती है और तो कुछ नहीं है सर। कभी पैसे पूसों के लिए ना किसी को पैसे देकर क्राइम करवाया है, और ना पैसे देकर क्राइम करने की कोई भी सोची है सर। हरविंदर रिंडा से क्या लिंक है आपके? कोई लिंक नहीं है सर, मैं कभी मिला ही नहीं हूँ उससे। मेरे को उसके साथ जोड़ दिया, मैं कभी मिला ही नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं मिला हूँ। मैं जेलों में जरूर रहा हूँ पंजाब की, 2017 के बाद तो पंजाब की जेलों में मैं रहा नहीं हूँ, मैं राजस्थान चला गया था सर। और उससे पहले जब मैं पंजाब की जेलों में रहा हूँ मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई कभी। बहुत मेरा एक केस है हुआ कौन जरूर वो है उसके आपको पता है ना? जी सर, पहले यहाँ पंजाब में गैंगवारी में था और हमारे ऑपोजिट ग्रुप में सपोर्ट किया करता था, और कोई हमारा कोई लेना देना कभी मेरा उससे केस नहीं। अब उसके साथ मेरे को जोड़ रहे हैं, मेरा कोई कभी केस ही नहीं लगा सर उसके साथ। आपसे मुलाकात है उसकी कोई है नहीं? कभी जिंदगी में मेरी मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई जेल में भी मुलाकात नहीं हुई, ना बाहर हुई ना जेल में हुई, कभी मुलाकात नहीं सर। मान लीजिए कि आप जेल में ही रहते हैं, आपका गैंग कौन चलाएगा आगे? गोल्डी सर आपको लगता है गोल्डी सक्षम है? नहीं सक्षम होगा तो सर क्या कर सकते हैं सर, पर भरोसा है सर। और गैंग नहीं है सर, ये है कि हमारे दर्द है आपस में और एक ही तरह का दर्द है। आपको पता है ना, गैंगस्टर की जिंदगी में गोली ही होती है, चाहे वो विरोधी गैंग की हो चाहे पुलिस की। बावजूद उसके आप इस चीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं सर हम गलत हैं, हमें हम अपनी सजा भुगत रहे हैं, और आगे जो गोली होगी या वो तो भगवान के हाथ में ना, जीवन हमारे हाथ में या मृत्यु हाथ में। हमने तो अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज आपके सामने रखी। मुझे लॉरेंस का मकसद नहीं समझ आया कि हर आदमी का एक एम होता है, आपका एम क्या है? कुछ नहीं है सर, एम कि हमारे भाई मरे हैं सर, उससे पहले यहाँ कोई गैंगवारी में हमने किसी चीज में ये माहौल नहीं खराब किया। ये देखिए चाहे ये ड्रग्स का है, कभी ड्रग्स का हो गया या कोई टेररिज्म का हो गया, क्या क्रॉस बॉर्डर हो गया, कभी एक बार भी लिंक नहीं सर, कभी जिंदगी में पाकिस्तान बात नहीं हुई मेरी तो। ठीक है, हमने ये माहौल नहीं खराब किया। जब हमारे ऊपर हमारे भाइयों का मर्डर ही होता जा रहा, क्या करेंगे सर? आपके परिवार में कभी आप भी आवाज तो उठाओगे, कमजोर से कमजोर आदमी घर छोड़ जाता है सर इस चीज में। पहले मेरे बुआ जी के लड़के को इन्हीं गैंगस्टर थे या ये गुंडर गुंडर, इन्होंने मेरी बुआ जी के लड़के को मरवा दिया था सर, इनके गैंग के थे। और उसके बाद ये चुटाला में एक डबल मर्डर हुआ था मेरे साथ वालों का सर। ये लगातार ये हो ही रहे थे, ये दविंदर गैंग वाले हो गए या कभी कोई हो गई, अन्याय ही हो रहा था सर। उसके बाद हम चले। तो आपने बदला लेने के लिए क्या जेल से अपना गैंग बड़ा किया, अपने आप को संगठित किया? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो सर्कल था, हमारे भाई थे सारे आपस में, तो एंड में हमने डिसाइड किया कि अगर हाँ वैसे हमें नहीं रोका जा रहा, किसी कानून से नहीं रुक रहा या पुलिस से ये चीजें नहीं रुक रही, तो हमने खुद हथियार उठाने की सोची। वो गैंग नहीं थी उस टाइम, तो सारे पढ़ने वाले थे, जैसे संपत था वो स्पोर्ट्स करता था, डिकैथलन खेलता था सर, 15-16 नेशनल के मेडल हैं सर उसके, तो जो साथ में दोस्त थे पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर उन्होंने प्रयास किए थे। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से? मेरी बुआजी के लड़के का मर्डर हो गया था सर, जब मैं तारीख जा रहा था तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था सर मैं फाजिल का। वहां नहीं, आप नेपाल चले गए थे, नेपाल से कैसे पकड़े गए, फिर वापस आ गए आप दिल्ली? से सर हथियार लेके आ रहे थे तो हथियारों के साथ पकड़े गए थे। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं, इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग हथियार तस्कर थे सर। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है?
नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही इतनी। ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सरवाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए वहां सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है। अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं आए। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ रहा हो? पॉलिटिक्स में ही था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स, अपने जो खुद के विचारधारा है वो यूनिवर्सिटी में प्रकट करते थे। तो जब छोड़ा है, जब दिल से निकाल लिया तो पूर्णता निकाल दी, अब कभी ख्वाहिश नहीं है दोबारा इस चीज में घुसने की। क्या आपको कोई राजनीतिक शय भी नहीं है, नहीं सर, कभी। किसी पार्टी की कोई शय नहीं है? सर मैं जब गया था तब इतनी कोई थी नहीं चीज की, कोई शह देने वाले। हम तो नॉर्मल लड़ाई झगड़े में 307 के केस में अंदर गया था सर मैं, नहीं, चार पांच केस थे मेरे पे। अब आपको अब किसी सर कोई नहीं शेल्टर हुआ नहीं है? कोई तो वो पता लग ही जाएगा, जेल से मेरी मुलाकात के रिकॉर्ड निकल जाएंगे जी। कभी मिलने आता हूँ माँ के सिवा मेरे को कोई मिलने ही नहीं आया कभी। एक दो दोस्त मेरे मिलने आए थे, वो भी जेल में ही है, सारों को जेल में डाल दिया, मिलने देते ही नहीं किसी से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लॉरेंस के पास हमेशा फोन रहता है, लॉरेंस को पुलिस जितनी मर्जी पुलिस रिमांड पे ले उसको डर नहीं लगता। तो मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार आप आपसे बात करते हुए कि यार इस बंदे को जेल से डर क्यों नहीं लगता? फोन तो अब ये देख, भरतपुर था जी, मैं 2 साल मेरे को आइसोलेशन में रखा, कोई कानूनी नहीं कहता आइसोलेशन में रखा, रेटे लगाए किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई एक आदमी था, 2 साल में मैं बिल्कुल अकेला रहा हूँ, कभी किसी के साथ रखा ही नहीं मेरे को, रिटेन लगाए कभी ह्यूमन राइट्स की सुनवाई नहीं। कोई मुलाकात करने आता तो केस डाल देते थे, तो सारों पे केस डालना, अभी जेल में मिल जाएंगे सारे आप, फिर अपराध भी करेंगे लोग। पर इतनी कनेक्टिविटी आपकी, आपको कोई सवाल नहीं पूछता। और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि अब भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेल से, ऐसे कैसे दे रहे हैं? बहुत रिस्क लेके और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था सर। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई सर। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, जेल में बंद है ये अपराधी लॉरेंस बिश्नोई, उसका इंटरव्यू, और कह रहा है कि हम तो अपनी बात रखना चाहते थे। जगविंदर पटियाल ने 7 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद ये इंटरव्यू लिया और उस वक्त पूरा देश इस इंटरव्यू को देख रहा है शोभना। बिल्कुल, और लॉरेंस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर फोन पर मिली थी। लॉरेंस बता रहा है इस इंटरव्यू में, कनाडा के दोस्त ने फोन पर ये जानकारी दी थी लॉरेंस को। अब गैंग गोल्डी चला रहा है, लॉरेंस ने ये बात भी बताई है। अभी बदला लेना बाकी है, जिन्होंने मेरे साथियों को मारा उससे बदला लेना है। आप सोचिए, खुलेआम धमका रहा है, बम्बिया गैंग से दुश्मनी है, ये लॉरेंस खुलेआम इसका जिक्र कर रहा है। खुलासा इस बात का कर रहा है कि मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, और अपने करतूतों को ये कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ और इसीलिए अब हम इसका बदला लेंगे। सबसे बड़े नागिन के तौर पर इस वक्त ये नजर आ रहा है लॉरेंस। बिल्कुल, जगविंदर पटियाला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी इस इंटरव्यू के बारे में लिए हुए। जगविंदर पटियाल, मैं हैरान हूं, मेरे पास शब्द नहीं है, ये तो एक अपराधी है, इसके साथ मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन क्या ये पूरी व्यवस्था का फेल्योर नहीं है कि एक क्रिमिनल इस तरीके से बैठकर जेल से अपना पूरा धंधा चला रहा है? देखिए, जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था मुझे तभी पता लग गया था। एक बड़े सीनियर अधिकारी से मैंने पूछा कि अगर ये बातें कर रहा था गोल्डी बराड से कपूरथला जेल में, तो इसका मतलब इनका तो नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग रहता है। तो इस पे सिद्धू मूसेवाला के बाद जिन्होंने गिरफ्तार किया था, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे पंजाब पुलिस हो, वो इस पे बड़ा साइलेंट रह रहे थे। मैं बेसिकली इनकी इसकी साइकी समझना चाहता था, यार ये है किस तरह का क्रिमिनल और ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये चाहता क्या है। और मेरी एक कोशिश और भी थी जो मुझे लगता है कि दर्शकों को देखकर हंसी वाली बात आएगी। मुझे लगा कि शायद यार इसको दो बातें सुना दूं तो ये इसकी अकल ही ठिकाने आ जाए, ये अकल सीख जाए कुछ। तो मैंने बीच बीच में वो कोशिश की भी कि तुम ये खून खराबा बंद कर दो। हालांकि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन अंदर से इसके इरादे उतने ही खतरनाक हैं। ये बेशक अपनी बात बता रहा है, लेकिन अभी ये जो खुलासा करने वाला है, बने रहिएगा, हमें हमें बहुत और डिटेल्स जाननी है। ये तो इसने जो भी बातें कही ऑन एयर कही है, लेकिन आपने इसके हाव भाव समझे होंगे, पढ़े होंगे, ऑफ एयर भी कुछ इसने बातें कही होगी, वो सब हम जानना चाहते हैं। लेकिन अब तक ऑपरेशन दुर्दांत की जो बड़ी बातें हैं वो आप तक पहुंचा देना चाहती हूँ। पहला ये कि ऑपरेशन दुर्दांत में लॉरेंस बिश्नोई का ये इंटरव्यू इस वक्त देश
देख रहा है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से जगविंदर पटियाल ने बातचीत की और 7 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद यह बातचीत हुई है। 57 मिनट का यह इंटरव्यू है, 30 मिनट का इंटरव्यू अब तक आप देख चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर लॉरेंस ने कुछ बड़े दावे किए हैं। हत्या का पता था लेकिन हत्या करवाई गोल्डी ने है, ये लॉरेंस कह रहा है। कनाडा से फोन आया तब मुझे हत्या के बारे में पता चला, वो कह रहा है। अब गैंग गोल्डी चला रहा है, ये कोई बहुत बड़ी संपत्ति तो नहीं है जो मैंने दे दी है, लेकिन हाँ हम एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। कॉज क्या है? अपराध है। सिद्धू मूसेवाला एंटी गुट को सपोर्ट करता था, ये लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है, और बम्बिया गैंग से दुश्मनी है, यानी अभी भी ये रुकने वाला नहीं है। 8-9 साल से जेल में जरूर बंद है, लेकिन इसने अपने मंसूबे एकदम क्लियर कर दिए हैं कि ये अभी रुकने वाला नहीं है। और अब अखिलेश 8 बजे का शो द इनसाइड स्टोरी इन्हीं का होता है, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। बिल्कुल शुक्रिया रूबिका आपका। दरअसल ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है, इसकी अंदर की कहानी इनसाइड द स्टोरी आगे हम आपको बताने वाले हैं। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन अभी की जो बड़ी खबरें हैं जरा तेज अंदाज में तेज रफ्तार में वो देख लीजिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एबीपी न्यूज पर बल्ब विस्फोटक खुलासा। एबीपी न्यूज से लॉरेंस बिश्नोई ने कहा मूसेवाला की हत्या गोल्डी ने करवाई। एबीपी न्यूज पर बोला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कहा सिद्धू मूसेवाला करता था एंटी गैंग को सपोर्ट, हमारे विरोधियों को सिद्धू ने किया मजबूर, इसीलिए मार डाला। एबीपी न्यूज पर लॉरेंस बिश्नोई का खुलासा, कहा मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग मेरी नहीं थी लेकिन मुझे हत्या का पता था। एबीपी न्यूज से बोला लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी को मैंने कहा था कि सिद्धू दुश्मन है, विक्की मिठू खेड़ा की हत्या में सिद्धू का हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई बोला सिद्धू की हत्या की प्लानिंग फोन पर हुई, यूपी के माफिया से ग्रेनेड और हथियार मिले, 2021 से सिद्धू की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा सिद्धू की हत्या में देरी हो रही थी इसीलिए गोल्डी को डांटा भी था। लॉरेंस ने कहा कानून सजा नहीं दे रहा था इसीलिए हमने सजा दी। लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या का अवैध शराब कनेक्शन बताया, कहा मर्डर के लिए पैसों का इंतजाम शराब के धंधे से हुआ, अवैध शराब कारोबारियों से आते हैं पैसे। 9 साल से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार एबीपी न्यूज पर खोली जुबान, मूसेवाला हत्याकांड का उगला सच। लॉरेंस बिश्नोई बोला मूसेवाला की हत्या की खबर फोन पर मिली, कनाडा के दोस्त ने किया था फोन, रिमांड पर पता चला गोल्डी ने अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा मेरे शूटर गोल्डी के संपर्क में है, गोल्डी चला रहा है गैंग, अभी बदला लेना बाकी है, हमारे साथियों को मारने वालों से लेना है बदला। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल मई महीने में गोली मारकर हुई थी हत्या, गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर ली थी हत्या की जिम्मेदारी। इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंची पुलिस, गिरफ्तारी के खिलाफ डटे इमरान समर्थक, इमरान ने वीडियो जारी कर लोगों से कहा अपनी आजादी के लिए बाहर निकलिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका के चलते अलर्ट पर हैं इमरान के समर्थक, इस्लामाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए 2 अरेस्ट वारंट के खिलाफ कल भी इमरान समर्थकों ने जमकर किया था हंगामा। जज को धमकाने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद की एक लोकल कोर्ट से मिली राहत, 2 दिन तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। कंगाल पाकिस्तान में छाया अंधेरा, कराची के 40% घरों से बत्ती गुल, ब्रेकआउट के चलते हुआ ब्लैकआउट। बिजली कटौती के पीछे ट्रांसमिशन फेल होना बताया गया कारण, आवाम से सरचार्ज के नाम पर जमकर की जा रही है लूट, इसके बावजूद ग्रिड स्टेशन नहीं संभाल पा रही है शहबाज सरकार। कंगाली से बाहर निकलने के पीएम शहबाज के प्लान पर पलीता लगा रहे हैं कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री इशाक डार को मिली रिपोर्ट में खुलासा, मंत्रियों ने अभी तक वापस नहीं लिए लग्जरी वाहन। मंत्रियों के साथ साथ अधिकारी भी इस्तेमाल कर रहे हैं महंगी गाड़ियां, 30 में से सिर्फ 14 गाड़ियां की गई वापस, 16 महंगी गाड़ियों का हो रहा है अभी भी इस्तेमाल। बैंक ऑफ अमेरिका की चेतावनी, IMF से लोन नहीं मिला तो कर्ज वापस नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, हो जाएगा पूरी तरह से कंगाल, लेनदार चीन कर सकता है पाकिस्तान की मदद। बैंक ऑफ अमेरिका का अपनी रिपोर्ट में दावा, IMF के साथ जल्द हो सकता है पाकिस्तान का समझौता, जब तक IMF भुगतान नहीं करेगा तब तक हालात में सुधार नहीं होगा।
पाकिस्तान की सरकार और फौज पर भड़का तहरीके तालिबान, कहा हमारे खिलाफ दुष्प्रचार बंद किया जाए, हम चुनावी रैलियों को नहीं करेंगे टारगेट। टीटीपी ने ताजा बयान जारी कर दी सफाई, कहा हमारा मकसद शरिया कानून लागू करवाना है, चुनाव रुकवाना नहीं, हम धांधली के खिलाफ हैं, चुनाव के नहीं। फिर हरकत करने की फिराक में है पीएलए, खरीदे कांटेदार हथौड़े और भाले जैसी नोक वाले वेपन, साल 2020 में गलवान में चीनी सेना ने किया था इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल। पीएलए के नुकीले हथियारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल, मेटल से बने हैं कोल्ड वेपन कैटेगरी के ये हथियार, हमले में सैनिकों को बुरी तरह से कर देते हैं चोटिल। भारतीय विदेश मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में दावा, बॉर्डर पर शांति के लिए चीन से चल रही है बातचीत, यथास्थिति बदलने के चीन के प्रयास से संबंधों में आई खटास। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में चीन की जमकर की गई आलोचना, कहा चीन के साथ भारत के संबंध जटिल हैं, चीन ने एलएसी पर शांति को क्षति पहुंचाई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देश एलएसी पर मुद्दों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं, राजनयिक और सैन्य रास्ते से संपर्क बना हुआ है। चीन से युद्ध की तैयारियों में जुटा ताइवान, तैयार किए गए छोटे कामिकेज ड्रोन 10 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकता है ताइवान का ये ड्रोन। ताइवान के एनसीएसआईएसटी का दावा, टारगेट के करीब पहुंचकर ड्रोन में हो जाता है ब्लास्ट, इसी तरह के स्विस ब्लेड ड्रोन अमेरिका ने यूक्रेन में किए हैं सप्लाई। चीन से जंग की आहट के बीच स्पेस में भी खुद को मजबूत करने में जुटा ताइवान, अंतरिक्ष में जल्द भेजे जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ताइवान के रक्षा विशेषज्ञों का दावा, चीन से जंग के दौरान ताइवान को झेलनी पड़ सकती है नेटवर्क समस्या, जिसके चलते नेशनल सिक्योरिटी पर भारी पड़ेगा असर, लो अर्थ सैटेलाइट से मिलेगी मदद। एयू केयूएस मीटिंग में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में हुई बड़ी सैन्य डील, दोनों देश मिलकर बनाएंगे 8 परमाणु पनडुब्बी, चीन को घेरने की पूरी तैयारी। एयू केयूएस के बैनर तले हुई मीटिंग में पहली बार अपनी तकनीक देने पर भी राजी हुआ अमेरिका, पनडुब्बी डील पर बोले बाइडेन, कहा इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी आएगी। लंदन में राहुल गांधी के बयान और अदाणी मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ, दोनों सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। अनुराग ठाकुर बोले संसद में राहुल की अटेंडेंस एवरेज से भी कम, फिर भी विदेश में जाकर कहते हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, माफी मांगे। आरएसएस ने कहा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा, लेकिन सोच समझकर बोलना चाहिए, राहुल ने लंदन में आरएसएस पर निशाने साधे थे। दरअसल बीजेपी राहुल गांधी से लंदन में दिए बयानों पर माफी की मांग कर रही है, कांग्रेस माफी को तैयार नहीं, बजट सत्र के दूसरे चरण में रोज हो रहा है हंगामा। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट नहीं दिख रहा है विपक्ष, पार्टियों ने आज अलग अलग खेमे में प्रदर्शन किया। नवरात्र के दौरान यूपी के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ होगा, हर जिले को 1 लाख का फंड देगी योगी सरकार, 22 मार्च से शुरू होंगे नवरात्र। योगी के आदेश पर विपक्ष ने पूछा और मजहबों के पूजा पाठ को तवज्जो क्यों नहीं, कांग्रेस बोली बेरोजगार और गरीबों का पाठ कब सुनेगी सरकार। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन में बिहार विधानसभा में बवाल, माइक उखाड़ते नजर आए बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान, 2 दिन के लिए सदन से सस्पेंड। केजरीवाल ने कहा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़े लिखे होते तो सिसोदिया को जेल नहीं भेजते। मध्य प्रदेश में सभी 203 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने किया ऐलान। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, अती की बीवी शाइस्ता परवीन को थी शूटआउट की जानकारी, साजिश में शामिल होने का भी शक। प्रयागराज शूटआउट में पुलिस को एक बर्खास्त सिपाही, एहतेशाम की तलाश, शक यह है कि 18 साल पहले नौकरी छोड़कर अतीक के गैंग में शामिल हो गया था। कर्नाटक में हिंदू संगठनों की बाइक रैली पर पथराव, हावेरी जिले की घटना कड़ी सुरक्षा तैनात की गई। सुपौर में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास से मिला गोला बारूद। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ एनआईए की पहली चार्जशीट, कहा जिहादी बनाने के लिए कर रहे थे भर्ती, हथियारों की ट्रेनिंग देते थे। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ 18 लाख कर्मचारियों की हड़ताल, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग। जम्मू के सांबा में पाकिस्तान से आई 800 करोड़ की ड्रग्स नष्ट की गई, हेरोइन चरस की बॉर्डर पर से हुई थी तस्करी।
लखनऊ में महिला के सिर पर पेशाब करने वाले टीटी को रेलवे ने निकाला, शराब के नशे में की थी हरकत। हरकी पैड़ी पर दो लड़कियों का फिल्मी वीडियो वायरल, साधु संतों ने जताई आपत्ति, प्रशासन ने यहां रील बनाने पर रोक लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक्सटेंशन कैंपस में बनी दो मंजिला मस्जिद का ढहना तय, सुप्रीम कोर्ट ने गिराने पर रोक नहीं लगाई। केदारनाथ मंदिर तक जाने के रास्ते से बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा, करीब 7 किलोमीटर रास्ते से हटाई गई है बर्फ। पिथौरागढ़ में कल अचानक बदल गया मौसम, तेज बारिश के साथ बड़े बड़े ओले पड़े, बर्फबारी जैसा हो गया नजारा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश के बाद नदियों में आई बाढ़, हजारों घर डूबे, 10,000 से ज्यादा लोग बेघर। कैलिफोर्निया में बाढ़ से फसलों को भी भारी नुकसान, नदी की बाढ़ ने सब कुछ डुबोया, बाजारों नदी की बाढ़ में जगह जगह फंसे लोग। कैलिफोर्निया के मोंटेरे काउंटी में नदी की बाढ़ से बहकर सड़क तक आ गई मछलियां, हाईवे पर एक शख्स का मछली पकड़ते वीडियो वायरल। कैलिफोर्निया के बाद न्यूयॉर्क पर तूफान का संकट, 12 इंच तक हो सकती है बारिश, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में तूफान की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तूफानी हवाओं के साथ हुई तेज बारिश। मोजाम्बिक में फ्रेडी तूफान से हुई है बर्बादी, तेज बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हुई, मलबे में कई परिवार अब भी लापता। ऑस्ट्रेलिया में भी बारिश के बाद आई बाढ़, क्वींसलैंड की नदियों का पानी शहर में घुसा, पानी में मगरमच्छ के हमलों का खतरा बढ़ा। यूक्रेन के कारमास्टोर्स्क पर रूसी सेना का विध्वंसक हमला, हमले में कई बिल्डिंगों को पहुंचा नुकसान, एक ही मौत 3 घायल। बखमुट से बर्बादी की ताजा तस्वीरें आई सामने, यहां रूस यूक्रेन की सेना में जारी है जबरदस्त भिड़ंत, पूरी तरह कब्जे के लिए मिसाइल बरसा रहा है रूस। यूक्रेन के 8 प्रांतों को रूस ने बनाया निशाना, जमकर दागे रॉकेट, डोनेस्क प्रांत में 4 नागरिकों की मौत। डोनेस्क को दहलाने के लिए रूसी सेना ने की 36 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, दागे 76 रॉकेट, आम नागरिकों के घरों को भी निशाना बनाया गया। मॉस्को को बड़े हमले की आशंका, जगह जगह लगाए जा रहे हैं डिफेंस सिस्टम, हाल ही में प्रेसिडेंट पुतिन के आवास के पास भी इंस्टॉल किया गया था एयर डिफेंस सिस्टम। जेलेंस्की बोले, ईस्टर्न यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर हालात मुश्किलों से भरे हैं, हमें दुश्मन की मिलिट्री पावर को पूरी तरह से तबाह करना होगा। युद्ध रुकवाने में किंग मेकर बनना चाहता है चीन, मीडिया रिपोर्ट में दावा, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत कर सकते हैं। एफएसबी ने एक रूसी महिला को किया गिरफ्तार, महिला पर यूक्रेनी सेना की फंडिंग का लगा आरोप, इससे पहले भी जासूसी के आरोपों में रूसी नागरिकों को अरेस्ट कर चुकी है एफएसबी। यूक्रेन से जंग में रूस के 1,60,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत, यूक्रेन का दावा, रूस के 340 फाइटर जेट और 289 अटैक हेलीकॉप्टर भी किए गए ढेर। जंग में रूसी सेना के 5,367 बख्तरबंद वाहन, 3,484 टैंक्स, 2,519 आर्टिलरी सिस्टम और 907 क्रूज मिसाइल भी हो चुके हैं बर्बाद। नॉर्थ कोरिया पर 7वां न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, चिंतित अमेरिका में मचा हड़कंप, नेड प्राइस ने इंटरनेशनल बिरादरी से एक साथ आने के लिए कहा। नॉर्थ कोरिया ने जापान के समंदर में फिर दागी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका और साउथ कोरिया की कल शुरू हुई मिलिट्री ड्रिल से नॉर्थ कोरिया भड़का है। 22,000 प्रदर्शनकारियों को रिहा करेगा ईरान, विरोधी बोले दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपति, हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की वजह से हुई थी गिरफ्तारी। सिमफेरपुल के एक वेयरहाउस में लगी भयंकर आग, 1,000 स्क्वायर फीट में फैले वेयरहाउस में रखे थे करोड़ों के खिलौने। अमेरिकी राज्य कोलोराडो में देखते ही देखते पलट गया ट्रक, हादसे में सड़क चलती एक गाड़ी भी चपेट में आई। कनाडा में भीषण सड़क हादसा, सड़क चलते लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 9 से ज्यादा घायल। फ्रांस में हड़ताल पर सफाईकर्मी, पेरिस समेत कई शहरों में लगा कूड़े का अंबार, 1 हफ्ते में जमा हुआ 5,600 टन कचरा। पाकिस्तान के कराची में पुलिस मुख्यालय पर हुए हमले के 2 आरोपी मारे गए, टीटीपी से जुड़े थे आतंकी।
सबसे सनसनीखेज मर्डर, सबसे बड़ी गवाही, सबसे बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज पर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचना, हत्या करवाना, ये अपराध नहीं है सर? हत्या बाहर गोल्डी भाई था, उन्होंने अपना किया सारा। पहली बार टीवी पर बोला मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, सिर्फ आपको पता है, आपने ये पूरी प्लानिंग नहीं की? सर मेरे को पता था, मेरी ये प्लानिंग मेरी थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग थी। मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर एबीपी न्यूज के सामने खोले मूसेवाला हत्याकांड के सारे सीक्रेट। गोल्डी ने कब बताया कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, या सचिन ने कब बताया? मैंने उनको कहा था जी कि ये हमारा दुश्मन है, अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बनती कार्रवाई करो इसके। लेकिन जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अब जो खुलासा करने जा रहा है उससे बॉलीवुड की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि गैंगस्टर के खुलासे में आया है बॉलीवुड के एक सुपरस्टार का नाम। वो सुपरस्टार है सलमान खान। क्या सलमान खान के खिलाफ गैंगस्टर ने रची है कोई बहुत बड़ी साजिश? क्या सलमान खान को धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने ही दिलवाई थी? आज गैंगस्टर सारे राज उगलने वाला है। बस बने रहिए और देखते रहिए वो महाखुलासा जिससे बॉलीवुड और पुलिस की टेंशन बढ़ने वाली है। तो वक्त है उस बड़े खुलासे की इनसाइडर स्टोरी जानने का जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज से किए हैं। क्या गैंगस्टर के टारगेट पर अब सलमान खान है? इसका खुलासा अब हम द इनसाइडर स्टोरी में करेंगे। मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। अक्सर हम दोनों की मुलाकात 9 बजने वाले होते हैं और तब स्टूडियो में होती है, लेकिन आज ये बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है। हम लगातार 7 बजे से ऑपरेशन दुर्दांत आपके सामने रख रहे हैं और यकीन मानिए इस वक्त पूरा देश इस ऑपरेशन को देख रहा है। गैंगस्टर का नया खुलासा निश्चित ही बॉलीवुड की चिंता बढ़ाने वाला है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करके सनसनी फैलाने वाले गैंगस्टर के निशाने पर अब है सुपरस्टार सलमान खान। और यह खुलासा उसने एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल से इंटरव्यू में किया है। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका? नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहां पे, जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर, जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कह रहा था, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भाई कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर, हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति, कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी, 20-25 साल केस चला इनके ऊपर, हमारे अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते, तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके, जो जहां बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहां ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया, तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था, तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे, इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर, कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का। इसका मतलब धमकी भी अभी आपने भेजी थी, वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली है उन्हें? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी सर, मेरे को नहीं पता था, मैं रिमांड पे था उस टाइम, मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी, मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था, मैं तो उस टाइम इस सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की, मेरे को पता भी नहीं था ये, तो और नाम नहीं भेजी सर, हमको देंगे तो सर ठोस जवाब देंगे, अगर हमारे कम्युनिटीज को माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर, हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप, वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से, और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब, सिर्फ हिरण के शिकार को लेकर गुस्सा है? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर, वहाँ हमारे कम्युनिटी से आके उस मंदिर में माफी मांगी। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहे मैंने उसके लिए
कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है सर, नहीं धमकी नहीं दे रहे सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर इसकी, मैं कोई अपने कम्युनिटी को बड़ा नेता को ना जानता हूँ ना कभी बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग से खतरा है? नहीं सर, खतरा नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे। हमारे गुरु जी थे गुरु जम्बेश्वर भगवान सर, हमारी कम्युनिटी में वो हिरण को पालना करते थे, तो हम बहुत मानते हैं उनको। जो मतलब जीव हत्या हम अपने एरिया में करने नहीं देते थे, तो इन्होंने हमारे एरिया में आके वहाँ शिकार किए हैं। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो आम लोग हैं, ये नेताओं के किसी के टच में होगा हमारी कम्युनिटी के, हमें पता नहीं है सर उसको, कि आम लोग इससे बहुत ज्यादा खिलाफ हैं इसके, जो हमारी कम्युनिटी के। तो हम चाहते थे एक बार उस चीज को पब्लिकली ये माफी मांग ले, हम कोई केस कूस का और वो नहीं लड़ना चाहते इसके खिलाफ। खुद ही इस चीज ने इस चीज को बहुत बड़ा बना दिया केस लड़के, ये तभी माफी मांग लेता शायद इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा अपराध? उसके वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है, किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा। अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे। एक मकसद है सर उसके लिए, हम इसको कह रहे हैं कि और कोई नहीं, बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता। अगर ऐसे शोहरत के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉलीवुड में मारना हो तो किसी को, कोई बीच पे घूम रहा होगा जू बीच पे, वहां किसी को भी मार देंगे फ्रिक्वेंटली, किसी को टारगेट कर देंगे बाद में। वैसी कोई बात नहीं है सर, किसी और को बताइए हमने टारगेट किया होगा। और अगर आप सोचते हो कि हम सक्षम नहीं है तो किसी चीज के लिए, किसी के साथ हमारे मत बेचारे, और वो है कि हम इसको कह रहे हैं सर कि भाई हाँ हमारे से माफी मांग ले, नहीं है तो जो भगवान को आगे मर्जी हो, क्या होगा क्या नहीं। आपको क्यों लगता है अहंकार है? या तो आपने कभी कहा हो इनको माफी मांगने को, या आपकी कम्युनिटी से किसी ने कहा हो और नहीं मांगी हो, तब तो ये बात हम कह सकते हैं। जी सारों ने कहा था, हमारी कम्युनिटी तो चाहती थी ये आगे आके उस चीज के अपोलोजाइज करे, माफी मांगे थे उसकी। अच्छा, ये अपोलोजाइज नहीं कर रहे? लेकिन नहीं सर, कर नहीं रहे। तो आप माफ कर दीजिए ना इनको, आप बड़े बन जाइए, आपकी कम्युनिटी माफ कर दे। अजी कम्युनिटी माफ कर दे बस, कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे को। तो आपको कम्युनिटी ने ये भी नहीं कहा होगा कि ये माफी नहीं मांग रहे हैं? किसी के टच में नहीं हूँ जी अपनी कम्युनिटी के, कोई मैं सचिन है जो बिश्नोई है मेरे साथ, और मैं किसी के टच में नहीं हूँ, कोई मेरी बात नहीं होती कोई नेता से हमारी कम्युनिटी के, और ना कोई मैं ऐसे कोई बात है। हमारे खुद के मन में है बचपन से कि इसने हमें नीचा दिखाया। आप जब ये घटना हुई थी तब कितने साल के थे आप? सर मैं 4-5 साल का हूँ। तो आपके मन में इतना ज्यादा बचपन से ही वैर विरोध बैठ गया इनको लेके? जी सर। इस बात को भी आप भूल जाएं तो अच्छा है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। सर कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं ना आप, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आकर माफी मांग ले, वरना जो भगवान चाहेगा वो होगा। धमकी देता हुआ ये अपराधी लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त आपको नजर आ रहा था जगविंदर पटियाल के साथ दिए इंटरव्यू में। सलमान ने हमारे समाज को दुखी किया, हमारा समाज उससे बहुत गुस्से में है। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे सलमान खान। हमारे इलाके में आकर सलमान ने वो काम किया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल, इस पूरे इंटरव्यू में रूबिका ये जो बॉडी लैंग्वेज इस शख्स की है, आप देखिए बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, जेल में इत्मीनान से ये इंटरव्यू दे रहा है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी जुड़ गए, सूरज ओझा भी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। लेकिन जगविंदर, जो बातें अभी इसने कही, जो इंटरव्यू का हिस्सा हमने दर्शकों को दिखाया, सलमान खान को लेकर जो बातें ये कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई, इसके इरादे बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश आप। सलमान खान को लेकर काफी गुस्से में भी रहता है, और सलमान खान मैं तो ये कहूंगा कि एक तरह से इसके अपराध की दुनिया का अगला लक्ष्य भी है। मैंने इन चीजों को बार बार घुमा फिराकर 10-15 बार इससे पूछा, लेकिन हर बार इसका जवाब यही होता था कि नहीं उसका अहंकार है, उसका अहंकार हम तोड़ेंगे। इसको समझाने की भी कोशिश करो तो उस मामले में ये समझने की कोशिश करता नहीं है, और एक ही शर्त रखता है हमेशा कि अगर इतनी ही तकलीफ है तो आप उसको बोल दो जाके कि वो जाके हमारे मंदिर में बीकानेर के पास जो पड़ता है मुकाम में, वहां जाकर माफी मांग ले। तो ये कहा कि इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं एक बात साफ कह सकता हूँ कि हाँ। सलमान खान की सुरक्षा की जरूरत है, और इसीलिए सूरज ओझा का हम रुख करेंगे। सूरज, ये खबर अब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर तहलका मचाने वाली है बॉलीवुड में। पहले वो पर्ची आई थी, और अब तो खुद ये अपराधी कह रहा है कि अगला टारगेट सलमान खान है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वो कह रहा है कि इनका अहंकार तोड़ना होगा, तो ये इनडायरेक्टली धमकी ही दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये मेरे पीछे ये है सलमान खान का घर और आपको वो कवर दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो प्लानिंग थी, सबसे पहली प्लानिंग 2018 में इसने प्लानिंग की थी और 2021 में अपने बयान में लॉरेंस बिश्नोई ने बताया था कि संपत नेहरा नाम का जो राजस्थान का गैंगस्टर है उसे हायर किया गया था और सलमान खान यहीं से अक्सर हाथ दिखाते हैं अपने जो चाहते हैं, जो उनके फैंस हैं, जिस फुटपाथ पे हम खड़े हैं यहीं पर खड़े होते हैं और सलमान खान वहीं से हाथ दिखाते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, कुछ और जानकारियां आपसे लेंगे। दरअसल लॉरेंस ने अभी और कई भी खुलासे किए हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी देने के सवाल पर। क्या कहा लॉरेंस ने? सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी एक धमकी आई उनकी डेथ के बाद, वो धमकी आपके गैंग ने दी है? नहीं नहीं सर, नहीं, हमारी वो हमारे भी बड़े जैसे उसके फैमिली होगी, एक ही बात है सर, हमने कभी उसकी फैमिली को टारगेट ही नहीं किया। ये तो कोई कर रहा है तो हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है, कोई नहीं कर रहा। बाकी उसके फादर साहब भी कहीं बोल रहे होंगे तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं बदला लेने की, ये लेने के लिए। हमने कहीं उसके फादर साहब को कोई बात नहीं, उससे भी उसने हमारे भाई को मराने में उसके हाथ थे, गुरलाल को, अपने विक्की को, ठीक है, या संदीप वाले में, या हमारा उसके फैमिली के साथ कोई नहीं, उसके साथ हमारे मतभेद है। उसने मारे तो रिएक्शन में उसको हमारे भाइयों ने मार दिया होगा, तो पर हमारा कोई नहीं है सर उसके फादर के साथ, ये कोई नहीं है। बाकी उसके फादर ने इलेक्शन लड़ने, वो वैसे ही बखेड़ा खड़ा कर देता है जी। वो खुद लड़ना चाहते हैं? हाँ, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर, ये और क्या चीज है बताइए आप। बेटा मर गया उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं, इंसाफ मिल गया, 50 जने तो केस में डाल दिया और इंसाफ को क्या करना है बताइए सर आप। इसका केस सीबीआई को लगा देंगे ना सर, 10 जने भी नहीं रह जाएंगे इस केस में। इन्होंने 50 जने हमारे केस वार्ड बना रखे, 1800 पन्नों की वो फाइल कर दी चार्जशीट। इतना बड़ा तो मसला ही नहीं था जितना इन्होंने मना दिया। ये तो सीबीआई इनके आधे, हमारे आधे जो केस में डाले हुए हैं सर, नजायज लोग डाले हुए हैं, आधे निकल जाएंगे। वो 5-6 अब डाले इन्होंने सिंगर उस केस में डाल दिए, उनसे कभी हमारा लेना देना ही नहीं है सर, उनसे पैसों का लेना देना है कोई, उस चक्कर में उनको परेशान कर रहे हैं इसके फादर। किन के साथ पैसों का लेना देना है? ये 5-6 सर अभी सिंगर डाले इन्होंने, ये जीवन ज्योत हो गया, एक कन्वर ग्रेवाल, ज्योति पंधेर, और इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। वैसे असलियत तो ये है, बाकी डाल दे हमारे सेहत पे फर्क भी नहीं कोई पड़ रहा है इनको, चाहे सारी उम्र जेल कटा दो, मेरे क्या पड़ना है, ना इनके डालने से हम बाहर निकलने वाले। बात है कि ये तो नजायज खुद ही करवा रहे हैं ना सर। आप लगाइए ना एप्लीकेशन की, सीबीआई को केस दे दीजिए, इसमें पंजाब पुलिस गलत कर रही है। मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ सर, इसके फादर साहब से भी लगवा दीजिएगा, मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ तीनों केस की, संदीप की, विक्की की और गुरलाल बराड़ वाली, मैं तीनों केसों की एप्लीकेशन सर लगवा देता हूँ। इसके बाप को भी आप लगवा दीजिए एक एप्लीकेशन, हम लगा देंगे। हमारे वाले में तो सर आधे जो एक्यूज थे ना उनको भी पैसे लेके बाहर निकाला हुआ है। आपकी बात सुन के लग रहा है कि आपके आपके जो ग्रुप के या आपके जो जानकार लोग हैं उनको पुलिस अंदर डाले जा रही है और जो जिनके प्रति आपको गुस्सा है उनको कुछ भी नहीं कह रही है। इसीलिए सर आज आपसे थोड़ी हिम्मत की है बात करने की, इसीलिए आपसे जुड़े हैं। बात ये है सर, आप वो एविडेंस निकाल के देख लीजिए, गुरलाल का मर्डर हुआ हम पे ही ओपन FIR करके हमारे कम से कम 100 लड़के अंदर डाल दिए होंगे, ठीक है। विक्की भाई का मर्डर हुआ हमारे ही लड़कों के FIR डाल के, इतने हमारे ही उठा उठा के अंदर डाले, उनका कोई नहीं डला। विक्की के मर्डर के बाद आप ये देख लीजिए कि हमारे कितने अंदर गए और दूसरी गैंग वालों के कितने अंदर गए। चाहे संदीप हो, चाहे विक्की हो, चाहे गुरलाल हो, चलो गुरलाल के तो भाई ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बाकियों के परिवार बैठे हैं, वो अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, पुलिस की लड़ाई लड़ सकते हैं, लॉरेंस को क्यों लड़नी पड़ रही है और वो भी रक्त रंजित करके, खून खराबा करके। मेरा भाई था सर गुरलाल, बचपन से मेरे साथ था, परिवार से ज्यादा वो मेरे साथ रहा होगा सर, कभी मेरे को जेल में जरूरत पड़ी होगी तो मेरे अच्छे बुरे समय में मेरे साथ आता, दोस्ती का नाता सर मैं एक परिवार से, एक रिश्तेदार से ज्यादा समझता हूँ। आपको तकलीफ है आपके दोस्तों की जो हत्याएं हुई उसकी? बहुत तकलीफ है सर, बहुत ज्यादा दिल में इस चीज का खेद है कि मेरी वजह से मेरे किसी भाई की जान चली गई। आपकी वजह से कैसे गई? कि मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरे से मेरे को टारगेट करने के लिए, मेरे को दुख पहुंचाने के लिए मेरे जो अजीज भाई थे या मेरे जो प्यारे भाई थे उनको टारगेट किया गया। विक्की मिड्डू खेड़ा को भी इसलिए टारगेट किया कि वो आपका दोस्त था? जी सर बिल्कुल, वो बिल्कुल इनोसेंट थे सर किसी चीज में कभी, यूनिवर्सिटी में जरूर मेरा और विक्की का एक आपस में यूनिवर्सिटी झगड़े में एक केस इकट्ठा था, उसके बाद सर वो केस बरी हो गया, कभी उनपे जिंदगी में कोई केस नहीं हुआ। MC के भी इलेक्शन लड़े थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी SOI में एक्टिव थे, हालांकि बाद में मैं तो सोपू में ही रहा हूँ, वो SOI ज्वाइन कर गए थे, पर सर मैं उनको बड़ा भाई मानता था, मेरे को भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वही लेके आए थे, और जेल में या कभी मैं कहीं और मेरे को कोई दिक्कत परेशानी होती तो मैं उनको होती तो उन्हीं से दिल में दिल खोल के बात कर सकता था, और मैं अपने बड़े भाई मानता था।
सिद्धू मूसेवाला ने कभी जब उसको ये थ्रेट मिल रही थी या उसको लग रहा था कि मुझे लॉरेंस गैंग नुकसान पहुंचा सकता है, गोल्डी बराड और या आपके जरिए सिद्धू मूसेवाला ने पैचअप करने की कोशिश की थी आपसे? नहीं सर, वो तो थापियां मार रहा था ना स्टेज पे उस टाइम जब ये मर्डर हो गए थे, वो तो बाद में थापियां मारने लग गया था। आपको प्रॉब्लम थी उसके थापी मारने से? नहीं जी, आप कह रहे हैं ना सर, आपने सवाल पूछा था कि भी उसने भी आपसे कभी संपर्क नहीं किया था, संपर्क नहीं किया था सर, थापियां मार रहा था वो। ऐसा एक इंटरोगेशन में पता लगा था कि उसने कोशिश की थी कि पैसा दे के बच जाए। नहीं सर, पैसे के लिए कभी क्राइम ही नहीं किया। पैसा लेना होता सर किसी से, सलमान खान ने भी ऑफर किए थे, पैसा नहीं लेना सर कोई बात नहीं, इज्जत की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है सर। और इसके लक्षण भी थे, गांव से तो ये वोट इसके कम वोट आए हैं, खुद के गांव से हरा ही है। अब इसको इन्होंने महात्मा गांधी बना दिया, खुद के गांव से ही हरा है इलेक्शनों में, और खुद के जिले से हर गया मानसा से ही। अब वहां ये टोलियां बना बना के फोटो खींच रहे हैं इसके बुत के साथ, जिंदा था तब तो इसको हरा दिया, इसका गांव में कौन सा किरदार अच्छा था? गांव, खुद के गांव से तो कोई नहीं हरता जी, ये खुद के गांव से हर गया। जो एमएलए के इलेक्शन थे कांग्रेस के, इसके गांव से वोट कम पड़ी थी सर, आप पता कर लेना वो निकल जाएगी। और सबसे ज्यादा मार्जिन से ये हरा है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो मार्जिन होना सर, सबसे ज्यादा मार्जिन से ही कम हरा है, ये हरा है। तो जो वोट डालने वाले को, मैं तो 9 साल से जेल में हूं, तो वो तो मेरे से ज्यादा समझदार होंगे सर। लेकिन फिर भी अगर वोट नहीं डली तब भी ऐसे थोड़ा होता है लॉरेंस की किसी को गोली मार दो, ग्रेनेड अटैक कर दो? नहीं सर, मैं तो बात ही नहीं कर रहा सर कि हमने वोटों के चक्कर में गोली मारी है सर। हमने तो कहा हमारे, मैं अपने भाइयों के दर्द था, और जो मेरे भाई बाहर थे उन्होंने रिएक्शन में किया होगा सर। मेरे को तो सर पता ही इसके मरने के बाद मर गया। सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी कि अभी अगर एमएलए बन गया बाई चांस, तो फिर आपके मन में जो चल रहा था गुरलाल बराड़ मर्डर केस के बाद या विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस के बाद, तो आपको लग रहा होगा कि वो चीज आप नहीं कर पाओगे अगर लीडर बन गया तो? ये लीडर बन ही गया था, लीडर तो ये एमएलए से ज्यादा तो गनमैन थे, इसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, 4-5 का पिस्टल ही अपने पास रखता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता, तो लीडर तो था ही है सर, ऐसी कोई बात नहीं कि लीडर नहीं था। चाहे हमारा कोई भाई ना हमारा हो, चाहे कोई भी कैसा हो, जो आम आदमी भी हो, कोई बिना गनमैन भी, हमने किसी को टारगेट नहीं, अगर हमारा किसी ने मारा तो वो जितना मर्जी तगड़े ओहदे पे हो, कोई कितना मर्जी तगड़ा नेता हो सर, ये चीजें नहीं होती बर्दाश्त किसी से भी। कोई आम आदमी भी होगा उससे भी बर्दाश्त नहीं होगी, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आदमी अपने मतलब सोचन शक्ति से सर ऊपर चला जाता है, उस टाइम कुछ सोच समझ नहीं आता उसके। कानून पे तो आपको यकीन ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारे भाइयों का जो है वो कानून ने जो है वो कोई इंसाफ नहीं दिया? नहीं सर, यकीन उस टाइम गवर्नमेंट ऐसी थी सर, इसके इन्फ्लुएंस में थे सीएम उस टाइम, और बड़े जो मंत्री थे कांग्रेस के उस टाइम वो इसके हक में थे, और वो दूसरी गैंग इसके मतलब उनका ये सरगना बना हुआ था, आका बना हुआ था सर। तो उस टाइम सरकारें ऐसी थी और इसके मतलब लिंक लाइन उन सरकारों में टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं ये सीएम मिनिस्टर्स तो उनके साथ थे, तो हमें कहाँ है न्याय मिल सकता था। ये आपका वहम भी तो हो सकता है? हो सकता होगा सर, पर हमें अपने हिसाब से तो हम सही हैं। आपके लोगों ने ये प्लानिंग कैसे की कि ग्रेनेड भी मारना है, मतलब ग्रेनेड तक वो साथ लेके आए थे? अभी बात नहीं हो पा रही सर उनसे बाहर, गोल्डी से भी नहीं हो पा रही, और कोई भी बाहर है तो मेरी बात नहीं हो पा रही, शायद वो मेरे से संपर्क नहीं कर रहे अभी, कभी बात होगी तो पता लगेगा सर उन्होंने ये छड़ा प्लानिंग की है, तो मेरे को भी उस चीज का पता नहीं सर। आपने कहा कि सिद्धू मूसेवाला तो अपने गांव से ही हार गया था, लेकिन दूसरी तरफ आप सलमान खान से भी मैंने देखा कि आपको नफरत है, आप चिढ़े हुए हैं उनसे, तो उनको तो इतना बड़ा समाज का तबका फॉलो करता है उनको, उनके पीछे तो इतने सारी फैन फॉलोइंग है, तो बावजूद उसके फिर मन में एक चीज पाल के बैठे हैं उनके खिलाफ? हम सम्मान चाहते हैं सर, जो उनकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा उसका सम्मान चाहते हैं। आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी में हिरन को नहीं मारने दिया जाता, इंसान को मारना कोई गुनाह नहीं है? हाँ सर, मारे ही नहीं, मैं 9 साल से जेल में बैठा हूँ, बताइए कहाँ मारा हूँ, बाहर ही नहीं निकला, एक लड़ाई झगड़े के केस में नॉर्मल अंदर गया हूँ। नहीं, अब तो बहुत सारे मुकदमे आप पे, मुकदमे हुए हैं ना सर। आपको यकीन है कि आपके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उन मुकदमों में कोई गवाह नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा? सर, मुकदमे लगाने से पहले कोई एविडेंस पेश करके तो मुकदमे लगते नहीं है इंडिया में, या ऐसे तो है नहीं यहाँ के मुकदमे लग जाएंगे और बाद में आप बाहर पैरवाई कर सकते हो, यहाँ तो मुकदमे लगते हैं, एविडेंस तो बाद में हमें पेश करने पड़ेंगे कि हम इनोसेंट हैं। एविडेंस पेश करके मेरे पे मुकदमे नहीं लगे कोई, ये तो मुकदमे लगे हैं सर, अभी एविडेंस आगे भविष्य में क्या बनता है वो तो भगवान। आपने कहा कि सलमान खान ने भी ऑफर दी थी, क्या ऑफर दी थी? हमारे समाज के लोगों के पास आए थे सर, मैं जोधपुर जेल में गया था तो वहां हमारे समाज के एक दो लीडर बंद थे, उनको कहा था उन्होंने, मैंने पैसों लेने से मना कर दिया। क्या ऑफर? उन्होंने मेरे को कहा था आए थे, पैसे आए होंगे या उनसे इन्होंने कॉन्टेक्ट किया होगा, तो मैं तो यही चाहता था कि मेरे समाज के लोग
इस चीज से इसकी माफी चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे समाज के लोग सेटिस्फाई हों इस चीज से कि भाई हाँ ये हमारे समाज की इज्जत करता है, हमारे मंदिर में आके माफी मांग ले, मुकाम हमारा मंदिर है हमारे समाज, हम ये चाहते थे। मैं किसी लीडर ना मानता, कोई और मैं नहीं मानता जी, हम चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांगे। आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, आप अपनी समाज के बीच में है, आप हीरो बनना चाहते हो? नहीं सर, मैं पंजाब से हूँ, मेरे समाज की तो कहीं मात्र 15-20 गांव है वहां पे। क्या करना चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहते सर, 9 साल से जेल काटते हैं, अब कुछ नहीं बनना चाहते ना कुछ और है भी। हाँ इसके खिलाफ हमारे दिल में गुस्सा है सर, हमने हमें सारे हमारी कम्युनिटी को नीचा देखना पड़ा है, बस और कुछ नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता, मैं किसी से ना वोट लेने चाहता, ना मैं कोई ऐसी बातें करना चाहता जिससे कोई चार लोग ऐसे, मैं नहीं चाहता था। इसके बाप को दे देना वोट, इसका बाप खड़ा होगा अभी इलेक्शनों में, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस ने इसको राष्ट्रपिता बना दिया, तो इसको दे देना, मेरे बंडे को भी जो कोई वोट आते हैं 4-5 मेरे गांव में, वो भी इसको डलवा दूंगा मैं, मेरे को नहीं चाहता। हमने तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, हमें न्याय नहीं मिला तो हमने आवाज उठाई। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारा चीजें, कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा, इसका आप ये देख लीजिए कि भी इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कहते भी बहुत बेबाकी से बोलता था, इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी को अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो या कभी कोई हमारे फौजी मरे हो उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले तो सर पहली बार आपके पास, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ है, खालिस्तान के भी खिलाफ है, हम तो पहली बार आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला, मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए खालिस्तान के क्यों खिलाफ है आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है, मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं जी, देश के खिलाफ हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई, मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता सर। वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर, 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि भी हम किसी से कोई अर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं, और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं, क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते, छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह दे जी वहाँ केरला अलग करना है तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव है, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बार कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा, मैं आपने पूछी तो मैंने आपके रख दी, कोई प्री प्लान्ड बातें तो है नहीं सर, मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है सर, क्योंकि हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने तो इनका नुकसान कर दिया, और हम कोई ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था, दरबार में छोड़ के चला गया, जो रिंदे के साथ रल गया किसी के साथ ही रल गया, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है, और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी हो तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर, हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा, हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने के इसको पहले ही मारते थे, चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये, हमारे भाइयों का मर्डर हुआ इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था इसलिए मारा इसको, और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर, कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो कोई ड्रग का या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो या उधर कहीं संपर्क कर रहे हो कहीं निकल जाए सर, और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हम एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयां थी या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए या स्टेट में या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुए उसकी सजा भुगत रहे हैं सर, 9 साल जेल में हो गए उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया ना उठाने की सोची, और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं, कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है।
जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी? पीड़ित होकर चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे सर। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भी अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे? तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है सर। इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है, ना हम उनसे कभी इतना डर मानते। ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ, कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो तब पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी? कब आप अपराध छोड़ देंगे? कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में? जेल से बना देंगे सर। मेरा छोटा भाई है वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है। मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यही खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए, और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विश्व विस्फोटक खुलासा था। लॉरेंस बिश्नोई सबसे खतरनाक अपराधी अपने एक एक अपराध की गवाही यहां पर दे रहा था, लेकिन बड़ी मासूमियत के साथ अखिलेश बहुत ही इनोसेंट बनकर धमकी भी दे रहा है तो रिक्वेस्ट करते हुए, मैं तो गौशाला खोल दूंगा, मैं तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, लेकिन प्लीज इस बात को समझ लीजिए कि यह अपराधी है और कुछ नहीं। बहुत ही शातिर दिमाग जिस तरीके से अपनी बात ये रख रहा था। इसने कई बड़ी बातें कही हैं, कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, द इनसाइड स्टोरी देखते रहिए, फौरन लौटते हैं। हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में, ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। जानिए प्राइस ट्रेंड्स और सही ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑन 99acres.com। घर लेना हो या बेचना, 99acres से ही पूछना। ये सिर्फ अपनी ही चाबी से मिलते हैं, लिंक लॉक्स। अंबर शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबा शक्ति STTMT। हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में, ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। जानिए प्राइस ट्रेंड्स और सही ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑन 99acres.com। Trying to choose which selfie to upload is so tough. But returning your orders on Myntra
so easy. Shop Befikar with 30-day return and doorstep refund sirf Myntra pe. Yun hi nahi main ban jata hu. कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं, गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं, कुशलता की कार्यशाला में तराशा जाने वाला हीरा हूं मैं, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सीधे सीधे, अरे नमस्ते, सीधे 99 एकर्स पे है फ्री प्रॉपर्टी लिस्टिंग। घर कल ही लिस्ट किया था और आज लाइन लग गई। 99 एकर्स पे प्रॉपर्टी आएगी, लेने वालों की लाइन लग जाएगी। घर लेना हो या बेचना, 99 एकर्स से ही पूछना। मेरा शो घंटी बजाओ अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। घर कल ही लिस्ट किया था और आज लाइन लग गई। 99 एकर्स पे प्रॉपर्टी आएगी, लेने वालों की लाइन लग जाएगी। घर लेना हो या बेचना, 99 एकर्स से ही पूछना। अंबर शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबर शक्ति STTMT। मेरा शो घंटी बजाओ अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ऑफिस जाने से पहले सटीक खबर, सार्थक विश्लेषण, 7 सेकंड्स में न्यूज एंड व्यूज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज दी इनसाइड स्टोरी में आप देख रहे हैं ऑपरेशन दुर्दांत। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज से कई बड़े खुलासे किए हैं और पूरा देश इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहा है। एबीपी न्यूज पर इस इंटरव्यू को पूरा देश कैसे देख रहा है आपके सामने ये तमाम तस्वीरें हैं। ये 8 अलग अलग शहरों से तस्वीरें आपके सामने, कैसे लोग टकटकी लगाए एबीपी न्यूज की स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को में इस बात को लेकर कौतूहल है कि एक तो कैसे जेल में बैठा एक गैंगस्टर ऐसे इंटरव्यू दे रहा है, आखिर ये तमाम सुविधाएं उस तक कैसे पहुंच गई हैं। दूसरी बात, उसने सिद्धू मूसेवाला से लेकर कई बड़ी बातें सलमान खान को लेकर बोली हैं। हम फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। कमिंग अप प्रेजेंटेड बाय जोवीज हर्बल ग्लो नेचुरली ब्लूम डेली। लेट हो रहे हैं।
सॉरी लेट हो गया यार। तू रंजीत से रणबीर का बन गया? ये लुक इधर से लिया। ऑब्वियसली ऑन मिंत्रा, क्योंकि कॉलेज हो या ऑफिस लुक, मिलेंगे 100% ओरिजिनल ब्रांड्स सिर्फ मिंत्रा पे। ये सिर्फ अपनी ही चाबी से मिलते हैं, लिंक लॉक्स। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं, गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं, पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। घर कल ही लिस्ट किया था और आज लाइन लग गई। 99 एकर्स पे प्रॉपर्टी आएगी, लेने वालों की लाइन लग जाएगी। घर लेना हो या बेचना, 99 एकर्स से ही पूछना। अंबर शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबर शक्ति STTMT। खबरों का नया सवेरा, हर सवाल कसौटी पर खरा, विदाउट प्रोपोगंडा। एबीपी न्यूज तय करता है खबरों में आगे का एजेंडा। सुबह 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बड़ी खबर हर कोई जानता है, उससे जुड़ा हर पहलू हर बड़ी बात पहचानता है, लेकिन अक्सर खबरों के पीछे छुपी असली कहानी सबसे अनदेखी, अनसुनी और अनजानी रह जाती है। लेकिन अब नहीं, अपने एक्सपर्ट रिपोर्टर्स के साथ मैं बताऊंगा आपको अंदर की हर बात, ताकि आपको मिले हर खबर की एक्सरे रिपोर्ट। देखिए द इनसाइड स्टोरी सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। मेरा शो खबर फिल्मी है, अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कुछ खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वो होती है हक की बात, वो मकसद की, तरक्की की और बराबरी की बात होती है। कुछ खबरें पूरे देश के लिए बड़ी बात होती है, वो भारत की बात होती है। देखिए भारत की बात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 से 8 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ऑफिस जाने से पहले सटीक खबर, सार्थक विश्लेषण, 7 सेकंड में न्यूज एंड व्यूज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। पहली बार सुबह की धुआंधार रफ्तार, फैक्ट फिगर और एक लाइन में खबर। वक्त बचाने का प्रयोग, 9 सेकंड का पूरा उपयोग, 9 सेकंड में न्यूज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एजेंडा वही जो आपके काम आए, खबर वही जो आपको सच दिखाए। अब एबीपी न्यूज तय करेगा आगे का एजेंडा सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा, टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन दुर्दांत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसके साथी गोल्डी बराड़ ने कराई।
नहीं होती, वो होती है हक की बात। वो मकसद की, तरक्की की और बराबरी की बात होती है। कुछ खबरें पूरे देश के लिए बड़ी बात होती है, वो भारत की बात होती है। देखिए भारत की बात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 से 8 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। सीधे सीधे अरे नमस्ते सीधे 99 एकर्स पे है फ्री प्रॉपर्टी लिस्टिंग। घर कल ही लिस्ट किया था और आज लाइन लग गई। 99 एकर्स पे प्रॉपर्टी आएगी, लेने वालों की लाइन लग जाएगी। घर लेना हो या बेचना 99 एकर्स से ही पूछना। ये सिर्फ अपने ही चाबी से मिलते हैं, लिंक लॉक्स। अंबर शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबर शक्ति STTMT। खबरों का नया सवेरा, हर सवाल कसौटी पर खरा, विदाउट प्रोपोगंडा। एबीपी न्यूज तय करता है खबरों में आगे का एजेंडा। सुबह 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। बड़ी खबर हर कोई जानता है, उससे जुड़ा हर पहलू हर बड़ी बात पहचानता है, लेकिन अक्सर खबरों के पीछे छुपी असली कहानी सबसे अनदेखी, अनसुनी और अनजानी रह जाती है। लेकिन अब नहीं, अपने एक्सपर्ट रिपोर्टर्स के साथ मैं बताऊंगा आपको अंदर की हर बात, ताकि आपको मिले हर खबर की एक्सरे रिपोर्ट। देखिए द इनसाइड स्टोरी सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। मेरा शो खबर फिल्मी है, अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो हुंकार, अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो भारत की बात, अब आप अपने स्मार्ट टीवी और मोबाइल फोन पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कुछ खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वो होती हैं हक की बात। वो मकसद की, तरक्की की और बराबरी की बात होती है। कुछ खबरें पूरे देश के लिए बड़ी बात होती है, वो भारत की बात होती है। देखिए भारत की बात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 से 8 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ऑफिस जाने से पहले सटीक खबर, सार्थक विश्लेषण, 7 सेकंड्स में न्यूज एंड व्यूज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन दुर्दांत में बड़ा खुलासा, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज से कहा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसके साथी गोल्डी बराड ने कराई। यूपी में नवरात्रि पर रामायण पाठ के फरमान पर विवाद, समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, कहा राज्य का कोई धर्म नहीं होता। एबीपी न्यूज से बोले नोबेल प्राइज कमेटी के डेप्टी लीडर एसले तोजे, शांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रूस अमेरिका चीन से बात की। कोर्ट से इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका रद्द, गिरफ्तारी की बढ़ी आशंका, कार्यकर्ताओं से की चुप ना बैठने की अपील।
दी इनसाइड स्टोरी में आज आपने लॉरेंस बिश्नोई का सनसनीखेज खुलासा देखा, अब आगे जरूर देखिए मास्टर स्ट्रोक मेरी मित्र रूबिका लियाकत के साथ। अभी हम दोनों एक ही स्टूडियो में थे, लेकिन चूंकि मास्टर स्ट्रोक अब आप तक पहुंचाने का वक्त आ गया है, तो मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए स्टूडियो से। थैंक यू सो मच। आज ये लॉरेंस बिश्नोई और उसके तमाम जो मंसूबे, उसकी इनसाइड स्टोरी बताने के लिए अखिलेश, पहले 9 में 100 और उसके बाद देश और दुनिया की सारी महत्वपूर्ण खबरें मास्टर स्ट्रोक। जेल में बंद दुर्दांत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज से कहा, सलमान खान ने हमारे समाज का अपमान किया, सलमान को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एबीपी न्यूज पर वर्ल्ड विस्फोटक खुलासा, एबीपी न्यूज से लॉरेंस ने कहा मूसेवाला की हत्या गोल्डी ने करवाई है। एबीपी न्यूज पर बोला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कहा सिद्धू मूसेवाला करता था एंटी गैंग को सपोर्ट, हमारे विरोधियों को सिद्धू ने किया मजबूत, इसीलिए मार डाला। एबीपी न्यूज पर लॉरेंस बिश्नोई का खुलासा, कहा मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग मैंने नहीं की, लेकिन मुझे हत्या के बारे में जानकारी थी। एबीपी न्यूज से बोला लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी को मैंने कहा था कि सिद्धू दुश्मन है, विक्की मिठुखेड़ा की हत्या में सिद्धू का हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा सिद्धू की हत्या की प्लानिंग फोन पर हुई, यूपी के माफिया से ग्रेनेड और हथियार मिले, 2021 से सिद्धू की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा सिद्धू की हत्या में देरी हो रही थी, इसीलिए गोल्डी को डांटा भी था। लॉरेंस ने कहा कानून सजा नहीं दे रहा था, इसलिए हमने सजा दी। 9 साल से जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, पहली बार एबीपी न्यूज पर खोली जुबान, मूसेवाला हत्याकांड का उगला सच। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा मूसेवाला की हत्या की खबर फोन पर मिली, कैनेडा से दोस्त ने किया था फोन, रिमांड पर पता चला गोल्डी ने अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा मेरे शूटर गोल्डी के संपर्क में है, गोल्डी चला रहा है गैंग, अभी बदला लेना बाकी है, हमारे साथियों को मारने वालों से लेना है बदला। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पिछली साल मई में गोली मारकर हत्या हुई थी, गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मूसेवाला की हत्या का अवैध शराब कनेक्शन भी लॉरेंस बिश्नोई ने बताया, कहा मर्डर के लिए पैसों का इंतजाम शराब के धंधे से हुआ, अवैध शराब कारोबारियों से पैसे आते हैं। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर अडानी मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ, दोनों सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। आरएसएस ने कहा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन सोच समझ कर बोलना चाहिए, राहुल ने लंदन में आरएसएस पर साधे थे निशाने। दरअसल बीजेपी राहुल गांधी से लंदन में दिए बयानों पर माफी की मांग कर रही है, कांग्रेस माफी को तैयार नहीं है, बजट सत्र के दूसरे फेज में रोज हंगामा हो रहा है, संसद में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट नहीं दिख रहा है, विपक्ष पार्टियों ने आज अलग अलग खेमे में प्रदर्शन किया। नवरात्र के दौरान यूपी के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण पाठ होगा, हर जिले को 1 लाख का फंड देगी योगी सरकार, 22 मार्च से शुरू होंगे नवरात्र। योगी के आदेश पर विपक्ष ने पूछा और मजहबों के पूजा पाठ को तवज्जो क्यों नहीं, कांग्रेस ने कहा बेरोजगार और गरीबों का पाठ कब सुनेगी सरकार। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन में बिहार विधानसभा में बवाल माइक उखाड़ते नजर आए बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान, 2 दिन के लिए सदन से सस्पेंड भी। केजरीवाल ने कहा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़े लिखे होते तो सिसोदिया को जेल नहीं भेजते। मध्य प्रदेश में सभी 203 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने किया ऐलान। हिमाचल में विधायक निधि बंद करने पर बवाल बढ़ गया है, आज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ 5,000 किसानों का नासिक से मुंबई तक मार्च, सरकार को किसान विरोधी बताया। सेम सेक्स मैरिज पर सरकार के पक्ष का आरएसएस ने समर्थन किया, कहा शादी सिर्फ ऑपोजिट सेक्स वालों में संभव है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर के एलजी यूपी से आए हैं, यहां माफिया को नौकरी दी जाती है जहां पर, यहां विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पहुंची पुलिस, गिरफ्तारी के खिलाफ डटे हैं इमरान समर्थक, इमरान ने वीडियो जारी कर लोगों से कहा अपनी आजादी के लिए बाहर निकलिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका के चलते अलर्ट पर हैं इमरान के समर्थक, इस्लामाबाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए 2 अरेस्ट वारंट के खिलाफ कल भी इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। जज को धमकाने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद की एक लोकल कोर्ट से राहत मिली, 2 दिन तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक।
कंगाल पाकिस्तान में अंधेरा छाया है। कराची के 40% घरों से बत्ती गुल हो गई है। ब्रेकआउट के चलते हुआ है ये ब्लैक आउट। बिजली कटौती के पीछे ट्रांसमिशन फेल होना बताया गया वजह। आवाम से सरचार्ज के नाम पर जमकर की जा रही है लूट, उसके बावजूद ग्रिड स्टेशन नहीं संभाल पा रही है शाहबाज सरकार। कंगाली से बाहर निकलने के पीएम शाहबाज के प्लान पर पलीता लग रहा है। कैबिनेट मंत्री ये काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री इसहाक डार को मिली रिपोर्ट के में खुलासा हुआ है, मंत्रियों ने अभी तक वापस नहीं किए लग्जरी वाहन। मंत्रियों के साथ साथ अधिकारी भी इस्तेमाल कर रहे हैं महंगी गाड़ियां। 30 में से सिर्फ 14 गाड़ियां अभी तक वापस हुई है। 16 महंगी गाड़ियों का हो रहा है अभी भी इस्तेमाल। बैंक ऑफ अमेरिका की चेतावनी, IMF से लोन नहीं मिला तो कर्ज वापस नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, हो जाएगा पूरी तरह कंगाल। लेन देन चीन कर सकता है पाकिस्तान की मदद। बैंक ऑफ अमेरिका का अपनी रिपोर्ट में यह दावा, IMF के साथ जल्द हो सकता है पाकिस्तान का समझौता। जब तक IMF भुगतान नहीं करेगा तब तक हालात में सुधार नहीं होगा। पाकिस्तान की सरकार और फौज पर भड़का तहरीक के तालिबान, कहा हमारे खिलाफ दुष्प्रचार बंद किया जाए, हम चुनावी रैलियों को नहीं करेंगे टारगेट। TTP ने ताजा बयान जारी कर सफाई दी, कहा हमारा मकसद शरिया कानून लागू करवाना है, चुनाव रुकवाना नहीं, हम धांधली के खिलाफ है चुनाव के नहीं। फिर हरकत करने की फिराक में है PLA, खरीदे कांटेदार हथौड़े और भाले जैसी नोक वाले वेपन्स। साल 2020 में गलवन में चीनी सेना ने किया था इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल। PLA के नुकीले हथियारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मेटल से बने हैं कोल्ड वेपन कैटेगरी के ये हथियार, हमले में सैनिकों को बुरी तरह कर देते हैं चोटिल। भारतीय विदेश मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में दावा, बॉर्डर पर शांति के लिए चीन से चल रही है बातचीत, यथास्थिति बदलने के लिए चीन के प्रयास से संबंधों में खटास आई है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में चीन की जमकर की गई आलोचना, कहा चीन के साथ भारत के संबंध जटिल है, चीन ने LAC पर शांति को क्षति पहुंचाई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देश LAC पर मुद्दों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं। राजनयिक और सैन्य रास्ते से संपर्क बना हुआ है। चीन से युद्ध की तैयारियों में जुट गया है ताइवान, तैयार किए छोटे कामिकेज ड्रोन, 10 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकता है ताइवान का ये ड्रोन। ताइवान के NCSIS का दावा है कि टारगेट के करीब पहुंचकर